हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट पोस्ट लाइनअप्स लाइनअप्स रिव्यू जहां हम आने के बाद दोनों टीम्स की 11 को एनालाइज करते हैं और आपको देते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन कनाडा वर्सेस मोरक्को इन द फीफा वर्ल्ड कप सो बिफोर वी गो ऑन टू द लाइन ग्रुप में क्या सिचुएशन है कैनेडा और ऑलरेडी आउट सो उनके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं है दे विल वॉन्ट की दे गो आउट ऑन हाई सो बिल्कुल प्रेशर फ्री में आज खेलेंगे एंड आई विल टू बी ऑनेस्ट नॉट बी सरप्राइज अगर कनाडा इस मैच में विन पिकअप करती है बिकॉज लास्ट मैच में वो डिफेंसिवली वीक थे ऑफेंसिवली देर गुड एंड पहले मैच में मेरे हिसाब से उनको बेल्जियम को हराना चाहिए था सो so कैनेडा से मैं एक फ्री फ्लोइंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन दिस मैच मोरक्को के ऊपर प्रेशर होगा बट दे आर देआर इन सिचुएशन कि उनकी डेस्टिनी उनके हाथ में है सो so, अगर ये आज का मैच जीत जाते हैं दे विल गो टू द नेक्स्ट राउंड अगर ये आज का मैच ड्रॉ करते हैं दे विल गो टू द नेक्स्ट राउंड अगर बेल्जियम uh, हार जाती है अगेंस्ट क्रोएशिया बट अगर बेल्जियम जीत जाती है और अगर लेट्स से मोरक्को हार जाती है और या ड्रॉ करती है देन मोरक्को विल आउट सो so, मोरक्को के लिए इंपॉर्टेंट है इस मैच में विन करना बट अगर ये ड्रॉ या लॉस भी सफर करते हैं दूसरे मैच के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है इनका वर्ल्ड कप का प्रोग्रेस so, काफी फैसिनेटिंग है इस पूरे ग्रुप का डायनामिक लेकिन अब देखते हैं दोनों टीम्स की कंफर्म इलेवन पहले बात करते हैं हम कनाडा की उन्होंने कुछ चेंजेस करी हैं मोस्ट लाइकली दे विल सेट अप इन अ बैक फोर बुरहान होंगे इनके गोलकीपर बैक फोर में कोई स्टैंडर्ड पिक नहीं है इसलिए आई थिंक विक्टोरिया स्टिलोकमेंड करूंगा बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ हिज सुपीरियर नंबर एंड हिज गोल थ्रेट इज वेल ऑल दो अगर आडे कुकबे लेट से खेलते हैं एज अ विंग बैक तो ही कैन गिव यू गुड अटैकिंग थ्रेड मिडफील्ड में चेंजेस हैं इज इज नो नो हचिनसन ओसोरियो और काय आए हैं टीम में सो ओसोरियो समझ जिनका जो रिकॉर्ड है विद कैनेडा इज नॉट बैड सो इनके ऊपर आप पॉइंट दे सकते हैं अटैकिंग एरिया से बात करें सो दे इज ब्यू कैन जो वॉज वेरी वेरी इंप्रेसिव इन द लास्ट मैच हमने पहले भी मैंशन किया था कि इनको मैं अपनी टीम में फिट करना चाहता हूं और इन्होंने असिस्ट दिया अगेंस्ट क्रोएशिया ही हैजनरलीक वेरी वेरी गुड ऑन द राइट फ्लैंग सो इन्हें मैं रिकमेंड करूंगा अल्फॉन्सो डेवीज हंड्रेड परसेंट पिक करिए बिकॉज ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर कैनेडा इवन दो इन्होंने पहले मैच में पेनल्टी मिस करी थी बट लास्ट मैच में ऑफकोर्स ही रिडीमड हमसेल्फ बाय स्कोरिंग और गोल जूनियर हॉयलेट खेलेंगे मोस्ट लाइकली इन नंबर टेन रोल या फिर विंग पे खेल सकते हैं so सो इन दोनों की पोजिशन इंटरचेंज हो सकती है बटलेटेन इज अ प्लेयर इज वेरी गुड ऑन द बॉल बट आई थिंक उनका एंड प्रोडक्ट थोड़ा वो लैक करते हैं लारीन इस संबंध जो होंगे मेन स्ट्राइकर बिकॉज बिकॉजन डेविड हैज बीन वेरी वेरी पुअर लारीन इंटरेस्टिंगली इज द ऑल टाइम टॉप स्कोर फॉर दिस कनेडियन टीम नाउ लेट एस गो टू द अपोजिशन मोरक्को की कंफर्म इलेवन इनकी टीम में ज्यादा चेंजेस नहीं है बोनो होंगे गोलकीपर बैक फोर में यू हैव अशराफ हकीमी जो इनफैक्ट जल्दी सब्सटीट्यूट हो जाते हैं आई so, थिंक अगर ये लग्सिक्सटी सेवेंटी मिनट्स पहुंच जाते हैं और सब्सिट्यूट होते हैं उसके बाद लग्स मोरक्को गोल खाती है ही कैन स्टिल गिव यू क्लीन शीट पॉइंट्स बट सर्टनली इनके मैनेजर इनको इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं कि इनको नाइनटी मिनट्स खिलाए स्टिल बिकॉज ऑफ हज अटैकिंग पोटेंशियल ही रिमेंस द बेस्ट पिक फ्रॉम दिस मोराको डिफेंस ऑल दो मुझे दूसरे डिफेंडर्स भी पसंद है रोमांसाइज फॉर एग्जाम्पल एक्स माज वो माजरा जो खेलते बाय केले एंड अ गर्ड एज वेल हु फॉर बेस्ट टाइम सो वेरी गुड सॉलिड डिफेंस बट प्रेशर विल बी ऑन दम मिड फील्ड पे आते हैं साबिरी ने लास्ट मैच में गोल स्कोर किया था वेन ही केम ऑन ही लुक वेरी वेरी गुड इसलिए उनको चांस मिला है अमराबाद इज वेरी गुड डिफेंसिवली आपको टैकल इंडेप्शन दे सकते हैं ऊना ही इज ऑल्सो संबंध चांस क्रिएशन एंड टैकल इंडिसेप्शन दे सकते हैं सो so, तीनों में टू बी ऑनस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप रिला की बात करें गो अमराबाद बट अगर आपको थोड़ा पंट लेना है सपीरी। और उनाही इज ऑल्सोट रिलायबल प्रेजेंस अप्रंट अगर बात करें इतने इंप्रेसिव नहीं रहे हैं दिस कुड बी मैच वेरी स्कोर आई एम नॉट श्योर भूफाल हैज लुक गुड उन्होंने गोल नहीं मारा है बट एटलीस्ट वो गोल के काफी पास आए हैं बिकॉज ऑफ इज सो आई थिंक ही मेरे मैन ऑफ द मैच थे एंड इनका जो फॉर्म है इन्होंने मोरक्को को स्पार्क करा है इस वर्ल्ड कप में एंड बिकॉज ऑफ दे हैव बीन सो सो गुड गोइंग फॉरवर्ड ही हैं अब बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पे फॉर दिस मैच I don't know, इसका रिजल्ट क्या होगा बट एक और नर्वस टाइप का मैच हो सकता है I am backing both teams to score. इस के के पे उनके ऊपर है एंड प्रेशर से बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं जबकि कनाडा आ टीम जिन्होंने अच्छा खेला है बट दे आर अ टीम जो इस मैच में प्रेशर फ्री खेलेगी सो आई विल बैक बोथ टीम्स टू स्कोर कौन जीतता है आई एम नॉट श्योर तो ये रिफ्लेक्ट करती है टीम एक कॉम्बिनेशन जो आप बना सकते हैं

एंड अगर मोरक्को कुछ भी पॉजिटिव करेगी हाकिम एम एच उसमें मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं उनको कैप्टन किया है अल्फोंसो डेविस को मैंने वाइस कैप्टन किया है बिकॉज आई की इस मैच में कैनेडा विल प्ले फ्रीली सो आई थिंक आई डू एक्सपेक्ट की दे माइट स्कोर अ गोल एंड अल्फोंसो डेविस का चांस है ऑफकोर्स ये दोनों मोस्ट लाइकली पेनल्टी टेकर्स हैं अपनी टीम के बाकी मैंने ब्यू कैनन को पिक किया है आई थिंक मिडफील्ड में सबसे ज्यादा मैं उनको ट्रस्ट करूंगा बिकॉज ऑफ इज परफॉर्मेंस एंड यहाँ पे आई थिंक आप चेंज कर सकते हैं मैंने सबेरी को पिक किया है

Combination for Morocco versus Canada in the FIFA World Cup. Hopefully, you found it useful. If you make sure to hit the like button, subscribe to Co and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe, and I will see you soon. Cheers, guys.